ये जो ओरिगेमी पेपर है, अब आप क्या करोगे, इसको आप इस तरीके से रखोगे, ऐसे नहीं रखना है, इसको ऐसे रखना है। एक पॉइंट आपकी तरफ होना चाहिए, अदर पॉइंट को आप उठाएंगे और इसको इसके साथ यहाँ पर लाकर एंड देन यू हैव टू फोल्ड इट। आपको इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। अभी आपके पास एक ट्राइंगल आ गया है, नाउ यू हैव टू ओपन इट। इसको ओपन करोगे और इसका ये वाला पार्ट, ये वाला लोगे, यहाँ से यहाँ फिंगर रखो और इसको सेंटर लाइन पर, जो हमारी ये लाइन हमारे पास आ गई, आप क्रीज देख रहे हो, इस पर ला लेकर आएंगे एंड देन प्रेस करेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड से भी करेंगे। इसको यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ फिंगर रखेंगे, सेंटर में लाएंगे और इसको यहाँ प्रेस कर देंगे। अब आप देखोगे इसको ऐसे रखो तो आपकी फिश की बॉडी रेडी हो गई है। क्या करेंगे, अब हम एक स्केच पेन लेंगे, यहाँ इधर वाली साइड, बेटा इधर नहीं, पॉइंटेड वाली जो शार्प पॉइंट है वहाँ नहीं, इधर की साइड। यू विल ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करोगे, इसके अंदर वन मोर सर्कल, यहाँ इसका माउथ ड्रॉ करोगे कर्व लाइन से, यहाँ एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ बेटा कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर बहुत सारी कर्व लाइन बनानी है इसी तरीके से। बेटा फिश की बॉडी बनाने के बाद अब हमें इसकी टेल बनानी है। तो टेल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी अदर कलर का पेपर ले लो, ये पिंक था, किसी भी कलर का आप ले सकते हो। नाउ यू हैव टू टेक अ पेंसिल, एक पेंसिल लेंगे, कर्व लाइन बनाओ, इधर भी एक कर्व लाइन ड्रॉ करो, कर्व लाइन और इधर भी कर्व लाइन एंड वी हैव टू कट इट। अब ये पीस जो हमने कट कर लिया बेटा, ड्रॉ किया था उसको कट किया, अब हम यहाँ इसमें बैक में गम लगाएंगे या ग्लू लगाएंगे। तो इसमें आप यहाँ पर बैक में थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पेस्ट इट हियर, यहाँ बैक में पेस्ट कर देंगे और ये आपकी फिश रेडी हो गई है। थैंक यू एवरीवन।